स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार न्यू धमाकेदार वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ तीन चीज़ें होने वाली हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ फर्स्ट एवर बॉलीवुड थीम पार्क में, जहाँ पर आज हमारा फिल्म सिटी टूर होने वाला है। तो बने रहें आप, बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आएगा और बहुत धमाकेदार व्लॉग होने वाला है आज। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी मुंबई की। और आप बने रहें हमारे व्लॉग में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ बॉलीवुड पार्क में हम कैसे जाएँ। तो फिल्म सिटी जाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गोरेगांव फिल्म सिटी गेट पर, और यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट होते हैं। तो हमने यहाँ से ऑफलाइन टिकट किया था, जो हमको पड़ा था पर पर्सन 1000 रुपया, और 1000 रुपये में पूरी फिल्म सिटी आपको ये लोग दिखाते हैं 3 घंटे के अंदर, और पूरा पैकेज इसी में होता है और सब कुछ दिखाया जाता है, पूरा घुमाया जाता है, बस से अंदर ले जाया जाता है। तो यहाँ से टिकट होता है, उसके बाद हम जाते हैं फिल्म सिटी टूर पर। तो यहाँ से और अंदर बस से हमको ले जाया जाता है, गाइड साथ में होते हैं तो सब कुछ वो ही बताते हैं। तो यहाँ पर चाय पानी नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे फिल्म सिटी टूर के लिए। तो ये मुंबई फिल्म सिटी ने ऑर्गेनाइज किया है ये बॉलीवुड दौलत पे नाज है, किसी को शौहरत पे नाज है, हम कलाकारों को आपकी सिर्फ तालियों पे नाज है। हम हाथ जोड़ के आप लोग ने अपना कीमती समय निकाल कर इस बॉलीवुड पार्क में आए हैं, तो मैं सभी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। आसमान में इतने तारे हो के आसमान दिखाई ना दे, आसमान में इतने तारे हो के आसमान दिखाई ना दे, सबकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ हो कोई गम दिखाई ना दे। तो ये है बॉलीवुड पार्क, अभी हम जाने वाले हैं बॉलीवुड पार्क के अंदर, और ये बस को हमने कर दिया है बाय बाय। तो अभी हम दूसरी बस में जाने वाले हैं और अभी हम जाएंगे बॉलीवुड पार्क के अंदर। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है इधर, ये भी देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। और यहाँ पर देखो, ओ सारे पिक्चर, पुराने पुराने पिक्चरों के सीन लगाए गए यहाँ पर। पहला बॉलीवुड शो होगा वो 4 बजे होगा। तो अभी आपको फिलहाल यहाँ पे एक आधे घंटे का ब्रेक है, आपको लंच करना है, फोटो शूट करने हैं, कॉस्ट्यूम ट्राई करने हैं, आप कर सकते हो। 4 बजे बस आपको यहाँ पे बॉलीवुड शो के लिए ज्वाइन करना होगा, उसके बाद और 2 शोज होंगे। तो सेकंड थोमा शो होगा एंड देन लास्ट में 70 वैक्स, ठीक है। अभी आप फ्री है, जानकी जी मिली, बहुत अच्छा लगा हमको, हस्बैंड वाइफ मिला हमको, बहुत अच्छा लगा। जानकी जोशी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं और उनको फॉलो करिएगा। ओके थैंक यू। और तेरी टुकुर देखा था हमको, पहचाना नहीं, कब पीके हो पीके। हाँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हमको मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम तो सोच रहा उनके गोला में भी जाएगा, हाँ नैनीताल में भी जाएगा, बहुत बढ़िया है वो, तो बर्फ बर्फ गिरता हम सुना है, बहुत ठंडा, बहुत कूल जगह है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गोलमाल मूवी की बाइक जो हमारे सामने से है, और इसमें हमने बहुत सारी रील्स भी बना ली हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरा बॉलीवुड को एक साथ इकट्ठा कर दिया हो, और 3 इडियट्स के कुछ 3 इडियट्स यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा था इन लोगों को देख के। और ये पूरा बॉलीवुड यहाँ पर दिखा रखा है, ये देखो पूरा बॉलीवुड यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए पूरी बचपन की फ़ोटो सबकी यहाँ पर लगा रखी है, बेटे संजय दत्त, याले बिट जुम्मे को, और पूजा भट्ट, तनी कौन कौन है ये, अमिताभ बच्चन, सभी हीरो हीरोइन यहाँ पर, ऐश्वर्या राय, हाँ। तो ये सब यहाँ पर इनकी, ये वो है ना करिश्मा कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी हैं, और अभी पहचान में नहीं आ रहे हैं, और जो जो आ रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये सब उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगा रखी है, और अब हम जाएंगे इधर, हाँ देखते हैं। तो यहाँ हुई थी देवदास पिक्चर की शूटिंग, ये देखिए पूरा सेटअप बना हुआ है देवदास मूवी का, ये देखो, ये देखिए पूरी देवदास मूवी का सेटअप सेट बना हुआ है देवदास मूवी का। मैं तो आज गड़बड़ हो जा रही हूँ बोलने में, इतने एक्साइटेड हो रही हूँ। और ये देखो जहाँ पर दिए जलते हैं, ये जो दिए जलाए हुए दिखाई देते हैं। तो अभी हम और जाते हैं आगे, आगे देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमको बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग दिखाई दे रहे हैं।
हम जा रहे हैं बॉलीवुड शो देखने के लिए दोस्तों। बॉलीवुड सिर्फ तीन चीजों से बनता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड जी हाँ, यकीन मानिए आज जहाँ आपको कॉमेडी देखने मिलेगी वही होगा डांस का जलवा भी। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री और जानते हैं कि हमारे इस बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में किन किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के लिए। आप सभी का स्वागत है सिनेमा की दुनिया बॉलीवुड पार्क में। सन 1895 में फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और ब्रूस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। क्या बात है यार, जोरदार ताली हो जाए फिर इंटरव्यू अपनी। ये हमारी जरा सी बीजू इमरान हाशमी का लिखा, बताओ सस्ती फिल्मों का कपिल शर्मा में हूं। जोशी जी को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका अपना चैनल है घरगुती चैनल। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। जानकी जोशी जी बड़ी प्यारी है, इनको हमेशा लाइक करें, फॉलो करें, इनको सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम है राजू रेकवार जूनियर शाहरुख खान। मैं मुंबई शहर से हूँ और इस वक्त गोरेगांव फिल्म सिटी बॉलीवुड पार्क में हूँ जहाँ पे हमारी मैम आई है। इन्होंने हमारा शो देखा, इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आपके दर्शकों को बोलेगा एक बार जरूर विजिट कीजिएगा गोरेगांव फिल्म सिटी बॉलीवुड पार्क, आपका अपना पार्क। बिल्कुल आप आइएगा और बहुत अच्छा लगा इनका प्रोग्राम देख के। और कपिल शर्मा शो पर भी आपने इनको देखा होगा, बहुत सारे प्रोग्राम में देखा होगा। और वो गोकुल धाम सोसाइटी तारक मेहता का उल्टा। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए मैम। और आपको कैसे हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और इन सभी बच्चों का प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा ओरिजिनल बिल्कुल डांस था, बहुत मजा आया। और तो दोस्तों बहुत मजा आया यहाँ पर आके और अभी हम एग्जिट करने वाले हैं, बाहर को जाने वाले हैं। तो बहुत मजा आया क्योंकि टाइम काफी हो गया है, 5 बज गए हैं। तो अभी हमको जाना है राधे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में, तो वहाँ पर हम थोड़ा आरती देखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। नहीं तो अभी यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम हैं जो हमको देखने थे लेकिन हम उनको कैंसिल कर रहे हैं अभी क्योंकि यहाँ पर मूवी दिखाएंगे, तो मूवी के लिए हमको उतना टाइम नहीं है। शॉर्ट मूवी दिखाएंगे और कुछ सीन दिखाएंगे हमको, तो उसके लिए हमको टाइम नहीं है अभी। तो हम अभी यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट और ये है एग्जिट। अमिताभ बच्चन जी आए हुए हैं अपने KVC शो के लिए लेकिन वहाँ पर हमको जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। ऐसा भी नहीं है, जा सकते हैं लेकिन अभी हमको टाइम नहीं है, बस स्टार्ट हो गई है ये देखिए, तो हम जा रहे हैं अभी बस में। हेलो दोस्तों, अभी शाम के 8:30 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग बहुत थक चुके हैं आज, इतना थक चुके हैं कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती। हम कितनी जगह घूम के आ गए और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। यहीं पर पास में हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है तो हम वहां के दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि हम कल यहां से निकल जाएंगे, तो इसलिए वहां के दर्शन हम अभी कर रहे हैं। तो अभी रात को हम जा रहे हैं 8:30 बजे क्योंकि जस्ट अभी हम फिल्म सिटी से घूम के ही आ रहे हैं। वहां यहां से वहां का 3 घंटे का रास्ता आना, 3 घंटा जाना था और प्लस 3 घंटा अंदर घूमने का था, तो इतना कवर करके अभी हम 8:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं पीछे से, ये देखो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, नज़र नहीं पहुँच रही बिल्डिंगों में, बस पूरे मुंबई में यही ऐसी ही बिल्डिंगें हैं पूरी भरी पड़ी। तो
अभी हम हरे कृष्णा हरे राम मंदिर जाते हैं, तो वहीं पर थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, उसके बाद आज का वीडियो एंड करूंगी। तो यहाँ से ये बिल्डिंग दिख रही है जिस बिल्डिंग में हमने स्टे किया है, ये है देखो भगवती ग्रीन वन करके, इसी बिल्डिंग में हमने रात को स्टे किया है। तो दोस्तों जहाँ पर मैं अभी गई हूँ मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा इस्कॉन टेंपल में, तो ये वही लोकेशन है और मेरे सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ वही मंदिर है। और क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, इतना सुंदर मस्त, मज़ा आ गया यहाँ पर जाके।